वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज है 22 जनवरी 2020 और लगाते हैं अपना डेली का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विज। इम्पोर्टेंट होगा 2020 में होने वाली परीक्षाओं के लिए, तो सब्सक्राइब रखना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस रखना फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो 22 जनवरी का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? किसने जारी की है हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट? देखिए, ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की है और रिपोर्ट में 2030 के सतत विकास लक्ष्यों की दृष्टि से विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट किसने? यूएनओ। तो चूंकि यूएनओ ने जारी की है तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945। और करंट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ऊबर ईट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ऊबर ईट्स का अधिग्रहण किसने किया है? देखिए, ऊबर ईट्स से, ऊबर से आप जैसा ओला यूज़ करते हो उसी तरह से ऊबर भी है, तो ऊबर ने अपना क्या था, ऊबर ईट्स भी लेकर आया था ये, तो इसका अभी अधिग्रहण कर लिया है। किसने किया है इनमें से? तो ये जोमैटो ने किया है। किसने किया है? जोमैटो ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गुरुग्राम स्थित फूड डिलीवरी स्टार्टअप और रेस्तरा एग्रीग्रेटर जोमैटो ने भारत में ऊबर ईट्स के व्यापार के अधिग्रहण की घोषणा की है। ऊबर ईट्स भारत में ऊबर टेक्नोलॉजीज का फूड डिलीवरी व्यवसाय की शाखा है और देखिए, अधिग्रहण ऑल स्टॉक सौदे के तहत किया गया है और अधिग्रहण के बाद ऊबर ईट्स का जोमैटो में 9.99% का मालिकाना हक होगा। यह सौदा लगभग 300 से 350 मिलियन डॉलर का होने की उम्मीद है और 2017 में ऊबर ईट्स के शुरू होने के बाद इसके साथ भारत के लगभग 26,000 रेस्तरा फूड डिलीवरी व्यवसाय से जुड़े हैं। तो अभी करंट में जो चल रहा है वो जोमैटो चल रहा है और जोमैटो के बराबर ही है स्विगी। तो कहीं छुपा था ऊबर ईट्स जिसका अधिग्रहण कर लिया है जोमैटो ने। तो मार्केट में अभी करंट में जोमैटो और स्विगी छाए हुए हैं। आप घर बैठे अपना खाना जो है वो मंगवा सकते हो 30 से 35 मिनट में। तो देखिए, जोमैटो के सीईओ कौन है, उनका भी नाम याद रखना, कौन है? दीपेंदर गोयल। और ऊबर टेक्नोलॉजी के सीईओ भी याद रख लिए जिसका अधिग्रहण हुआ है दारा खोशरोशाही। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत है 76वें पायदान पर। कौन सा स्थान है? 76वां स्थान है। और पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है फिनलैंड। दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाई देगा। तो देखिए, इस इंडेक्स में जो टॉप पर है कंट्री वो डेनमार्क है, दूसरे पर नॉर्वे है और तीसरे पर फिनलैंड है। टॉप 10 कंट्री हैं ये, और चौथे पर स्वीडन है, पाँचवें पर आइसलैंड, छठे पर नीदरलैंड, सातवें पर है स्विट्जरलैंड, आठवें पर ऑस्ट्रेलिया, नौ पर बेल्जियम और लग्जमबर्ग है 10 पर, और इंडिया है 76 नंबर पर। अब देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020। ये इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी एंड अ न्यू इकोनॉमिक इम्परेटिव। इस रिपोर्ट में 82 देशों का ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भी जारी किया गया और इंडेक्स क्या कहता है? भारत 42.7% 42.7 अंक के साथ 76वें स्थान पर है, जबकि डेनमार्क जो है इस सूची में टॉप पर है। और भारत इस इंडेक्स में 5 देश जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान और चीन के साथ शामिल है, और जो सोशल मोबिलिटी को बेहतर बनाकर सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं।
तो देखिए, अब एक प्रश्न उठता है कि है क्या सोशल मोबिलिटी, क्या है ये, जिसमें टॉप पर है डेनमार्क और भारत है 76 नंबर पर। तो देखिए, सामाजिक गतिशीलता को किसी भी व्यक्तिगत परिस्थितियों द्वारा या उसके माता पिता से संबंधित परिस्थितियों के उतार या चढ़ाव द्वारा समझा जा सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक बच्चे में अपने माता पिता से बेहतर जीवन का अनुभव करने की क्षमता होती है। दूसरी ओर सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता जीवन में किसी व्यक्ति के परिणामों पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का आकलन है। इसे स्वास्थ्य से लेकर शैक्षिक उपलब्धि और आय जैसे कई परिणामों द्वारा मापा जा सकता है। तो चूंकि ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, विश्व आर्थिक मंच की है, तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी जान लीजिए। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और संस्थापक और अध्यक्ष हैं क्लाउस श्राब। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथान की शुरुआत कहाँ हुई है, कहाँ पर हुई है फिट इंडिया साइक्लोथान की शुरुआत? ये हुई है गोवा में, गोवा की कैपिटल पणजी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने गोवा के पणजी में फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन कार्यक्रम खेल और युवा मामलों के निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य में नागरिकों को बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लेने और साइकिल कल्चर को शुरू करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। साइक्लोथॉन कार्यक्रम के दौरान पणजी शहर में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में साइकिल चलाने के लिए एक साथ 500 से अधिक साइकिल प्रेमियों ने रुचि दिखाई। तो कहाँ पर आयोजित है ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन? गोवा की कैपिटल पणजी में। अगर पणजी ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो गोवा को कम से कम याद रखिए, क्योंकि गोवा की बात हो रही है। तो प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के 13वें क्या हैं मुख्यमंत्री हैं, और कैपिटल है गोवा की पणजी, और मृदुला सिन्हा गोवा की वर्तमान राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है, किसने जीती है डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020? देखिए, ये जीती है भारत ने। किसने जीती है? इंडिया ने जीती है डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020। तो भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने शारजहाँ कहाँ पर है? यूएई में, शारजहाँ में आयोजित डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। और भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने शारजहाँ में स्काईलाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा आयोजित ट्रॉफी में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास को हरा कर ये चैंपियनशिप जीती है। और ट्रॉफी का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में स्थित विभिन्न वाणिज्य दूतावासों के अधिकारों और कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 देशों की वाणिज्य दूतावास टीमों ने हिस्सा लिया। वो 8 देश कौन कौन से हैं? भारत है जिसने ट्रॉफी जीती, और कौन है? पाकिस्तान है जो हारा, फिर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका भी इसमें शामिल थी। तो यूएई के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और मुद्रा है यूएई दिरहम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया अभी हाल ही में? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। तो देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। आज मतलब 21 को, और इस सम्मेलन का आयोजन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव देश भर के सरकारी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने
और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम क्या है? टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक का नाम है नीता वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल किया है? यही है वो विमान। नाम क्या है इसका? देखिए, चेतक और चीता तो हेलीकॉप्टर हैं, कभी भारतीय वायुसेना में शामिल थे ये, तो इसका जो नाम है वो है सुखोई 30 MKI। क्या नाम है इसका? सुखोई 30 MKI। तो भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान के पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम विमान को वायुसेना में तमिलनाडु में स्थित तंजावर बेस में शामिल किया गया। और तंजावर बेस उत्तम संस्थानों में से एक है जहां पूरब से लेकर पश्चिम सहित हिंद महासागर में वायु और समुद्री तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनको हाल ही में बनाया गया, और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, नाम क्या, राकेश कुमार भदौरिया की उपस्थिति में स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और अभी जो कल शाम में जो UPSC सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट डाला था, टेस्ट नंबर 114, उसमें प्रश्न ऐड किया गया था स्टेटमेंट बनाकर। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत और नेपाल की सीमा पर एक एकीकृत चेक पोस्ट जो है उसका उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मिलकर। तो देखिए, भारत नेपाल सीमा पर विराट नगर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। 260 एकड़ भूमि पर 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ICP एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा किया गया। भारत और नेपाल की जोगबनी विराटनगर सीमा पर स्थित ICP विराटनगर कुछ आधुनिक सुविधाओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैट ब्रिज, अग्नि सुरक्षा, रेफ्रिजरेटर, कार्गो सहित भंडार सुविधा, CCTV, सार्वजनिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से 24/7 निगरानी से लैस है। और इस चेक पोस्ट को रोजाना 500 ट्रकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल के PM, और ये हैं इंडिया के PM, और ये कुछ इस तरह से है ICP। तो नेपाल ने किया है भारत के साथ, तो प्रधानमंत्री का नाम तो पता चल गया होगा केपी शर्मा ओली, और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, महिला हैं, और राजधानी है काठमांडू, और मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है कि नेपाली रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक, जो वार्षिक बैठक है, वो कहाँ आरंभ हुई है अभी हाल ही में? 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक तो ये आयोजित ना तो अर्जेंटीना में हुई है, ना ही न्यूयॉर्क में हुई है, ना ही इंडिया में हुई है, ये है स्विट्जरलैंड के दाबोस में। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दाबोस में आरंभ हुई है, और भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। और इस वर्ष का सम्मेलन सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। और इस वर्ष का सम्मेलन 6 प्रमुख क्षेत्रों, पारिस्थितिक तंत्र, अर्थव्यवस्था, उद्योग, प्रौद्योगिकी, भू राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आरंभ हुआ है? 12वां राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ये आरंभ हुआ है पुदुचेरी में। कहाँ पर आरंभ हुआ है? पुदुचेरी में। तो देखिए, पुदुचेरी में 12वां राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है वो आरंभ हुआ है। पुदुचेरी की राज्यपाल कौन है? किरण बेदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के 200 युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन और पुदुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आदिवासी युवाओं का विकास और सशस्त्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए, इसके तहत युवाओं को पुदुचेरी की भाषा, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, भोजन तथा अन्य पहलुओं से अवगत कराने के लिए पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? वी नारायण सामी। अब है आज का प्रश्न। लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार मनमोहन महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे थे तेलुगु फिल्मकार, मराठी फिल्मकार, तमिल फिल्मकार या फिर उड़िया फिल्मकार? यही हैं। छोटा सा इमेज यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, राइट साइड में, मनमोहन पात्रा, जिन्होंने 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, वो भी कंटिन्यूसली, लगातार। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और गूगले आने से पहले आंसर कर देना, उसके बाद चेक करना इसका आंसर क्या है। धन्यवाद।